झुंझुनू के डीटीओ कार्यालय में बिना टेस्ट के बना रहे हैं लाइसेंस। बाहर बैठे एजेंट इसके लिए वसूल रहे हैं दोगुनी फीस। झुंझुनू के डीटीओ कार्यालय में अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो आपका बिना किसी ड्राइविंग टेस्ट के ही लाइसेंस बन जाएगा, लेकिन आपको इसके लिए दोगुनी कीमत चुकानी पड़ेगी और डीटीओ ऑफिस के बाहर बैठे एजेंटों के थ्रू ही अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट चले गए तो आपको पूरी लंबी प्रक्रिया से ही गुजरना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ खेल चल रहा है झुंझुनू के डीटीओ ऑफिस में। एजेंटों के थ्रू होने वाले कार्य तुरंत हो जाते हैं। सीधे ऑफिस में अप्रोच करने पर कार्य में पूरे नियम और कायदे लगाए जाते हैं। बार बार ऑफिस के चक्कर कटवाए जा रहे हैं। ऑफिस की कार्यशैली के कारण लोग एजेंटों के थ्रू ही डीटीओ ऑफिस में अपने कार्य करवाने के लिए मजबूर हैं। झुंझुनू में डीटीओ ऑफिस के बाहर बैठे एजेंट लाइसेंस के नाम पर चांदी कूट रहे हैं। जहां सामान्य व्यक्ति को लाइसेंस बनाने के लिए परिवहन कार्यालय के कई महीनों तक चक्कर लगाने पड़ते हैं, वहीं ये एजेंट अच्छी रकम लेकर आसानी से लाइसेंस बना देते हैं। आपको टेस्ट देने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके बदले बाहर बैठे एजेंट मोटी रकम ले रहे हैं। इसके बाद आपको चक्कर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं इसके लिए बाहर बैठे एजेंट 3,000 रुपये तक की रकम वसूल रहे हैं। बिना टेस्ट के ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए एजेंटों ने बाकायदा इसके लिए दोगुनी फीस भी तय कर रखी है। 2+4 व्हीलर के लिए 2,400 से 3,000 रुपये, जो कि राज्य परिवहन विभाग के तय शुल्क से 1,000 से ज़्यादा रुपये हैं। यह पूरा खेल परिवहन विभाग के संरक्षण में चल रहा है। यही वजह है कि एजेंट को किसी तरह की कार्रवाई का कोई खौफ नहीं है। सर, बिना टेक्स्ट ड्राइविंग के लर्निंग लाइसेंस बन जाता है क्या यातायात नियमों में? बिना टेक्स्ट ड्राइविंग के लर्निंग लाइसेंस नहीं बनते सर। सूत्रों की माने तो ऐसी है कि बाहर से इमित्र वाले 2,500 से 3,000 रुपये लेकर और ये बिना टेक्स्ट ड्राइविंग के ही वो देते हैं, लाइसेंस दे देते हैं, जबकि कई बार व्यक्ति आ गया उसके फिर यहाँ पर फेल हो जाता है, लेकिन बाहर से टेक्स्ट ड्राइव बिना ही लाइसेंस जारी करवा देते हैं। देखो, लर्निंग लाइसेंस की एक प्रक्रिया है जो कि अभी आजकल ऑनलाइन कर दिया गया है। आदमी घर बैठे भी बनवाया जा सकता है लर्निंग लाइसेंस। लर्निंग लाइसेंस के उपरांत हमारे ऑफिस में आते हैं, उसके बाद जो परमानेंट लाइसेंस है वो बनाया जाता है और उसकी बाकायदा निर्धारित फीस है। ये ऑनलाइन है, बाकायदा इसको डिस्प्लेड है हमारी वेबसाइट पर, ये जारी किया हुआ है और हमें इस बात की नहीं नॉलेज की भी ऐसा कुछ आप जो बता रहे हो ऐसा कुछ होता है। सर, ऐसा अगर जानकारी में आता है तो परिवहन विभाग क्या कार्रवाई करेगा? हाँ, ऐसा आएगा तो हम इसके जैसा भी हमें उचित हमारे नियमानुसार कार्रवाई हो करेंगे। रोड नंबर 2 पर कार व टेम्पो की टक्कर में घायल हुई एक महिला की हुई मौत, एक को गंभीर हालत में किया जयपुर रेफर। 2 नंबर रोड पर हुए एक्सीडेंट में घायल हुई एक महिला की इलाज के दौरान बिडकी अस्पताल में मौत हो गई। वहीं एक महिला को गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया गया है। मृतक विद्या देवी पत्नी रमेश, उम्र 60, शहर के वाल्मीकि मोहल्ले की रहने वाली थी। पुलिस की मौजूदगी में बिडकी अस्पताल में मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। कोतवाली के ASI मुलायम सिंह ने बताया कि 2 नंबर रोड पर इलाहाबाद बैंक के पास एक ब्रेजा गाड़ी ने तेज गति से टेम्पो को टक्कर मार दी थी, जिसमें टेम्पो में सवार विद्या देवी, शकुंतला देवी, आसु देवी, श्रवणी व जसोदा घायल हो गई थी, जिन्हें इलाज के लिए बीडी के अस्पताल ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान विद्या की मौत हो गई। एक महिला को गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं अन्य घायलों का बीडी के अस्पताल में इलाज जारी है। हॉस्पिटल के सामने एक ब्रेजा गाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी को तेज गति वाला प्रवेश चलाकर ऑटो की टक्कर मार दी, जिससे सभी के चोटें लगी, जिनको बीडी के हॉस्पिटल लाया गया, जिनमें विद्या देवी की मृत्यु हो चुकी है। एक और को जयपुर रेफर किया गया है, बाकी का यही इलाज चल रहा है। अभी पंचायत नगर की कार्रवाई हुई है, एफआईआर थाने में जाकर दर्ज किया गया। बीडी के अस्पताल में 2 युवकों ने किया हंगामा, चिकित्सकों से की गाली गलौज, पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। जिले के सबसे बड़े राजकीय बीडीके अस्पताल में 2 युवकों ने जमकर हंगामा किया। करीब 30 मिनट दोनों युवक उत्पात मचाते रहे। काफ़ी देर तक चले ड्रामे का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दोनों युवक अस्पताल के चिकित्सक से उलझते हुए दिख रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सुभाष और मुकेश को गिरफ्तार कर लिया। दोनों युवक अस्पताल में मरीज को दिखाने के लिए आए थे। दोनों युवकों ने मरीज की देखभाल नहीं करने की बात कहते हुए चिकित्सक से उलझ गए थे। इस दौरान दोनों युवक करीब आधे घंटे तक जमकर उत्पात मचाते रहे।
सूचना पर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों युवकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों नहीं माने। इसके बाद पुलिस ने दोनों का मेडिकल करवाकर हिरासत में ले लिया। मेडिकल अस्पताल से सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति पेशेंट के साथ साथ आए हैं, जो अस्पताल में न्यूसेंस कर रहे हैं। हमारी कोई गलती को नहीं है, इतलाफ में आए, इनको समझाइश की, लेकिन समझाइश का कोई सही शराब पिए हुए हैं, शराब का मेडिकल मुआयना करवाएगा। कोई गलती भी नहीं है। उदावास के पास कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत, बीड़ी के अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर सब परिजनों को सौंपा। झुंझुनू सदर थाना इलाके के उदावास के पास कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। कार की टक्कर लगने से बाइक सवार की मौत हो गई। हादसे का शिकार कुलडाराम उम्र 60 वर्ष पुत्र सोहन राम झुंझुनू के निकटवर्ती गाँव पातुसरी का रहने वाला था। वह देर रात बाइक पर सवार होकर अपने घर जा रहा था। रास्ते में डिवाइन स्कूल के पास सामने से आ रही कार ने लापरवाही से कार चलाकर टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कुलडाराम की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद कार सवार मौके से फरार हो गया। वहीं मौजूद भीड़ ने पुलिस को हादसे की जानकारी दी। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर बीडीके अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया तथा घटना की जानकारी परिजनों को दी। परिजन के आने के बाद मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है।